शेखपुरा शहर का प्रचलित इस्लामी उच्च विद्यालय के सचिव इन दिनों विवाद के घेरे में आ गए हैं। स्कूल में व्यापक पैमाने पर गड़बड़ी को लेकर स्कूल के सचिव के खिलाफ लोजपत जिलाध्यक्ष इमाम गजाली ने मोर्चा खोल दिया है। इस मामले को लेकर उन्होंने जिला शिक्षा पदाधिकारी के द्वारा जांचोपरांत मामले को उजागर करने के बाद जिला प्रशासन को खासकर जिलाधिकारी से पूरे मामले में जाँच की मांग करते हुए सचिव के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराए जाने की भी मांग की है। उन्होंने कहा है कि इस्लामिया उच्च विद्यालय की कमेटी पूर्व से ही भंग है, परंतु इसके बावजूद 20 वर्षों से एक ही व्यक्ति सचिव के पद पर कार्यरत है, जो कि नियम के विरुद्ध है। सभी नियमों को ताक पर रखकर यहां बड़े पैमाने पर मनमानी की जा रही है। विद्यालय के आय के स्रोतों में कमीशन का खेल लगातार जारी है। इतना ही नहीं, उन्होंने कहा है कि अपने संरक्षण को लेकर विद्यालय में कभी एमएलए एवं कभी एमएलसी को लाकर अक्सर खड़ा कर दिया जाता है। लोजपा जिलाध्यक्ष ने कहा है कि विद्यालय में गड़बड़ी के खेल को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, क्योंकि यह एक कौम का मामला है और इस विद्यालय में बड़े पैमाने पर एक कौम के छात्र छात्राओं की भविष्य टिकी है। शेखपुरा से स्वदेशवाणी के लिए धीरज सिन्हा की रिपोर्ट। स्कूल में क्या कुछ समस्याएं हो रही है जिसके संबंध में? देखिए, आप लोग को पता है और इस्लामिया स्कूल एक कौम का इदारा है, कौम मिल्लत का इदारा है। शेखपुरा जिला में एक वाहिद ऐसा स्कूल है जिसमें काफ़ी लोग उससे पढ़ के फैजयाब हुए, और बहुत ही दुख की बात और शर्म की भी बात है कि आज 20 साल से वो कमेटी रन कर रही है, लेकिन वो कमेटी एक तरह से वो इलीगल कमेटी रन कर रही है। आपको देखिए, मैं तो आफ्ताब खान साहब को सैल्यूट करूंगा। मैं जब यहाँ पे, मैं तो आशीर्वाद यात्रा में था, मैं यहाँ आया, मैंने देखा। और सबसे पहले मैं बता दूँ आपको, मैं एक मुस्लिम हूँ और हमारा फ़र्ज़ है कि जब एक कौम मिल्लत का इदारा जब बर्बाद हो तो हमारा और एक अखलाकी फितरत भी होती है कौम के नाते। मैं इस पर इसलिए आवाज़ उठा रहा हूँ कि इस्लामिया स्कूल इदारा को तहस नहस करके रख दिया गया है। एक वन मैन शो आर्मी, ये कौन सी बात है भाई? 20 साल से एक आदमी सेक्रेटरी मेंबर, एक आदमी वही मेंबर को कभी इधर कर रहे हैं, कभी उधर कर रहे हैं, कौन सी बात है? मैं आपके चैलेंज के माध्यम से मैं जिला प्रशासन से अनुरोध करना चाहता हूँ। इससे पहले भी मैंने आवाज़ उठाई थी कि सेक्रेटरी को तो पहली बात तो कमेटी है वहाँ नहीं। अभी बिहार सरकार का एक लेटर आया, उसे कमेटी भंग हो चुकी है। और मैं डीओ साहब का भी धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने संज्ञान लिया और ऐसी गलत चोरी को नहीं कही, इसको महा डकैती को पकड़ा उन्होंने, जो इस्लामिया स्कूल के नाम पर नंगा नाच हो रहा है, लूट खसोट हो रहा है। मैं आपके चैनल के माध्यम से जिला अधिकारी महोदया से मैं अपील करना चाहता हूँ, मैं उनसे हाथ जोड़कर विनती करता हूँ, गुजारिश करता हूँ कि ये कौम मिल्लत का इदारा है मैडम, ये मैं एसडीओ साहब से अनुरोध करता हूँ, मैं डीओ साहब से अनुरोध करता हूँ कि इसकी ऑडिट की जाए। और ऑडिट के बाद पहली बात तो उस पर अपने हैंडओवर लिया जाए कि उस कमेटी वहाँ है नहीं, ना सेक्रेटरी है ना वहाँ मेंबर है, ऑलरेडी कमेटी खत्म हो चुकी है। 20 साल से एक आदमी सेक्रेटरी, ये कहाँ का उसूल है मेरे भाई, ये कहाँ का नाजायज तरीका है? और मैं डीएम साहब से अनुरोध करूंगा कि सेक्रेटरी के ऊपर एफआईआर दर्ज किया जाए, उसको अरेस्ट किया जाए। जिस तरह से नंगा नाच किया गया है स्कूल के अंदर, स्कूल की मालकियत मिल्कियत को बर्बाद किया गया है, स्कूल में की जो आपको इनकम ऑफ स्रोत है उसको उसमें कमीशन लिया जाता है। आप देखिए, हर रोज बराबर आवाज उठती है, ये कहाँ का इंसाफ है? आप ही किसी एमएलसी को लेकर चले आए, किसी एमएलए को लेकर चले आए, तो एमएलसी और एमएलए के बाप का स्कूल है क्या ये? स्कूल मुस्लिम तहफ्फुज कौमी अदारा है और कौमी मिल्लत का अदारा है ये, किसी एमएलसी या किसी एमएलए के बाप की जागीर नहीं है इस्लामिया स्कूल, जो किसी एमएलसी किसी एमएलए को ला करके खड़ा कर दे इस्लामिया स्कूल के अंदर। वो कौम, वो हमारे पूर्वज ने की निशानी है, हमारे पूर्वज बना के गए हैं। वो क्या ये तहस नहस बर्बाद कर देंगे आप इस्लामिया स्कूल को, ये तरीका है? और ये सिगरेटी, मैं जिला अधिकारी महोदय से मैं अपील करना चाहता हूँ कि ऐसे सिगरेटी पर एफआईआर दर्ज कीजिए। नहीं करेंगे अगर एफआईआर दर्ज, तो इस्लामिया स्कूल के गेट पर ताला बंद होगा, इसका आंदोलन पूरे शेखपुरा में होगा। और कमेटी फर्जी है और इस कमेटी का गोरखधंधा जो चल रहा है, पैसे का लूट खसोट जो हो रहा है, ये सरासर गलत है, सरासर गलत है। ये सरासर कौम के साथ ये जाल फरेब किया जा रहा है। सिगरेटरी के साथ कोई और भी संलिप्त? सिगरेटरी के साथ मेन तो वही सिगरेटरी अमरीशपुरी है, वो आप सेक्रेटरी साहब ही अमरीशपुरी हैं। 20 साल से एक सेक्रेटरी, ये कहाँ का उसूल है? ये ना मेरे बाप का स्कूल है ना उनके बाप का स्कूल है। बाप ये स्कूल, ये इदारा कौम का इदारा है, और मैं कौम के नाते में बोलना चाहता हूँ। मैं किसी पार्टी, ठीक है पार्टी में जाएगा, लेकिन मैं कौम के नाते पहला बोलना चाहता हूँ कि मैं एक मुस्लिम हूँ। मैं इमाम गजाली, मैं अपील करता हूँ यहाँ के जिला प्रशासन से और सारे अवाम से, मैं अपील करता हूँ कौम से, मैं अपील करता हूँ आप आगे आइए और अवाम एक अवामी मीटिंग कीजिए, डंका बजा के एक मीटिंग हो, करीब 5-6 हज़ार लोग जुटे, उस मीटिंग के अंदर मेंबर चुना जाए, सीक्रेटरी चुना जाए, किसी के बाप की जागीर नहीं है इस्लामिया स्कूल।
अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आने वाली देश विदेश की खबरें आपको मिलती रहे। स्वदेश वाणी।